राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि खेत के अंदर नमक हमें डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए। ये नमक कौन से की बात हो रही है? तो आपने थंबनेल में भी ये नमक देख लिया होगा, जो हमारा खड़ा नमक होता है, मोटा नमक होता है, जिसे किसानों ने ज्यादातर जो है पशुओं को खिलाने के काम में हम लेते हैं, उस नमक की हम बात कर रहे हैं। मेरे पास लगभग किसान भाइयों पिछले 6 से लेकर 7 दिन के अंदर 13 से लेकर 14 ऐसे कमेंट आए हैं जिन किसान भाइयों ने मुझसे पूछा है कि सर हम अपने खेत के अंदर नमक को डाल सकते हैं या फिर नहीं, नमक को डालने के फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, और मैंने अपने खेत के अंदर ज्यादा डाल दिया तो मेरी जो फसल है उसमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, तो क्या कुछ इसमें रहने वाला है। सब कुछ इसमें आपको मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि नमक के हमें क्या फायदे मिलेंगे, क्या नुकसान मिलेंगे, क्या क्या इसके अंदर पाया जाता है, कौन कौन से तत्व इसके अंदर होते हैं, क्या फायदेमंद है, क्या इसकी डोज है, क्या इसकी कीमत है, सब कुछ किसान भाइयों डीपली जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखें तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। यदि अभी तक किसान भाइयों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इस चैनल पर किसान भाइयों आपको एक से एक शानदार और अच्छी जानकारी देने की कोशिश की जाती है, जिससे कि आपको किसी से भी कुछ पूछने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों की नमक के अंदर क्या है। तो नमक जो है किसान भाइयों ये हमारा सोडियम क्लोराइड होता है, इसका जो हमारा टेक्निकल होता है वो होता है NaCl2, इसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड के फायदे और नुकसान। किसान भाई यदि हमारे खेत के अंदर हमारी फसल के अंदर सोडियम क्लोराइड का उपयोग हम करते हैं तो इससे कोई भी नुकसान हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन तो नुकसान होता कहां पर है? जैसे ही किसान भाइयों आपने सोडियम क्लोराइड को अपने खेत के अंदर डाल दिया, खेत में डालने के तुरंत बाद किसान भाइयों नमी पकड़ते ही ये जो है क्रिया करनी शुरू कर देता है और सोडियम अलग हो जाता है और क्लोराइड अलग हो जाता है। वहीं पर किसान भाई यदि आप डायरेक्ट अपने खेत के अंदर सोडियम का उपयोग करते हैं तब भी आपका फसल जो है, आपकी खेती जो है वो बेकार हो जाएगी। यदि आप डायरेक्ट क्लोराइड का उपयोग करते हैं उससे भी नुकसान हो जाता है। तो कहने का मतलब ये, यदि ये दोनों एक साथ रहेंगे तब तो नुकसान नहीं होगा, और यदि ये अलग अलग होंगे तो नुकसान हमें 100% होगा। तो किसानों ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि इसे डालें और इन दोनों को हमें अलग ना कर पाए। लेकिन अब इसके कुछ फायदे भी हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे पोषक तत्व किसान दिए गए हैं, ऐसे पोषक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं जो हमारी फसलों को फायदा भी देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नुकसान भी देते हैं। तो सब कुछ मैं डीपली जानकारी आपको इस वीडियो में अब आगे दे देता हूं। इसके अंदर किसान भाइयों आपको क्या क्या मिल जाएगा, या आपका कैल्शियम इसके अंदर किसान भाई मिल जाता है, पोटेशियम इसके अंदर मिल जाता है, ब्रोमाइड किसान भाई इसके अंदर मिल जाता है, बोरेट भी किसान भाई इसके अंदर मिल जाता है, फ्लोराइड भी आपको इसके अंदर मिलेगा, सिलिकेट भी इसके अंदर मिलेगा, और किसान भाई लोडाइड भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और भी 3-4 ऐसे पोषक तत्व हैं जो इसके अंदर किसान भाई नमक के अंदर दिए जाते हैं, जिनका उपयोग आप यदि अपने खेत के अंदर करते हैं तो इससे हमें फायदे भी हो जाते हैं, नुकसान। पहले बात कर लेते हैं फायदों की कि इससे होने वाले क्या क्या फायदे हैं। यदि हम इसका उपयोग अपनी फसल के अंदर करते हैं, अपने खेत के अंदर करते हैं तो हमें क्या क्या फायदा देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इसका उपयोग अपने खेत के अंदर करते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारे फल और फूलों का साइज होगा, ये किसान भाई बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो हमारे फल होंगे इनके अंदर वजन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तीसरा, किसान भाई हमारी फसल पे ये चमक बढ़ा देता है, उसकी पैदावार को बढ़ाने में भी काफी ज्यादा मदद करता है। चौथा, किसान भाई ये फंगीसाइड के रूप में भी कार्य करता है। यदि नमक का उपयोग जो है आप अपने खेत के अंदर करते हैं तो ये फंगीसाइड के रूप में कार्य करेगा और आपके खेत से फंगस को भी ये हटा देता है। दूसरा, किसान भाई एक खरपतवार नाशक की तरह से भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि मैं इसकी आपको डोज बताऊंगा आगे कि इतनी डोज लेने के बाद यदि आप अपने खरपतवार नाशक पे भी इसका उपयोग करेंगे तब भी किसान भाइयों ये खरपतवारों को भी खत्म कर लेता है। तीसरा, किसान भाइयों ये इंसेक्टिसाइड के रूप में भी कार्य करता है, यानी कीटनाशक के रूप में भी कार्य करता है। यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो कीटों पर भी इसके काफी ज्यादा अटैक देखने को मिल जाएंगे। आप एक बार इसे अजमाइश भी कर सकते हैं। आप थोड़ी सी नमक ले लीजिए, उसे पानी के अंदर घोल लीजिए, उसके अंदर जो आप दीमक डाल दीजिए या फिर जो सफेद गिनार आती है आप उसे डाल दीजिए तो ये भी तुरंत ही खत्म हो जाते हैं, ये ज्यादा टाइम तक नहीं रुक पाते हैं। तो इस तरीके से कीटनाशक के रूप में भी कार्य करेगा, फंगीसाइड के रूप में भी कार्य करेगा और खरपतवार नाशक के रूप में भी किसान भाइयों ये कार्य करता है। तो किसान भाइयों को इससे काफी ज्यादा बेनिफिट किसान भाइयों इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। किसान भाइयों ये एक बैक्टीरिया साइड भी है, बैक्टीरिया पर भी इसके काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इतने तो सारे इसके फायदे किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसान की, इसके नुकसान भी क्या है, क्योंकि किसान भाइयों जिस चीज का फायदा है उसका नुकसान भी आपको देखने को मिलेगा। अब इसके नुकसान क्या क्या है? पहले तो किसान भाई यदि आपने इसके थोड़ी सी भी डोज ज्यादा डाल दी, मान लीजिए आपको प्रति एकड़ जो है 10 से 15 किलोग्राम डालना है और आपने इसकी डोज जो है 25 किलोग्राम डाल दी, एक्स्ट्रा डोज यदि आप डालेंगे तो आपकी जो पूरी फसल होगी उसकी पैदावार को 25 से 30% तक नीचे ले जाएगा। दूसरा, किसान भाइयों जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि दीमक को भी खत्म करेगा, सफेद गंडार को खत्म करेगा, इसी तरीके से हमारे खेत के अंदर जो सूक्ष्म
तत्व होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे खेत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, लाभकारी होते हैं, उन्हें भी किसान भाई ये खत्म कर देता है। तो इसके मतलब फायदे के साथ साथ इसके नुकसान भी आपको देखने को जरूर मिलेंगे। खेत के अंदर से जितने भी जीव होंगे जो हमारे सूक्ष्म जीव है जो हमारी खेती के लिए बहुत फायदेमंद है, उन्हें भी किसान भाई ये बहुत जल्दी तेजी के साथ खत्म कर देता है। इसके अलावा किसान भाई जो हमारे खेत के अंदर जो बंजरपन बढ़ा देता है, यानी कि यदि हम इसकी मात्रा ज्यादा अपने खेत के अंदर डाल देते हैं तो हमारी मिट्टी को, हमारी जमीन को ये बंजर बना देगा, और किसान भाई यदि हमारी जमीन ही बंजर बन जाएगी तो आगे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके हमें कई सारे नुकसान भी देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी फसल को बेकार भी कर सकता है ज्यादा मात्रा डालने में, पैदावार भी कम कर सकता है, जमीन को बंजर भी बना सकता है। तो इन चीजों को भी आपको बड़े तरीके से ध्यान रखना है। तो आप बात कर लेते हैं कि इसका उपयोग हमें करना चाहिए या फिर नहीं, और कितनी डोज इसकी यदि हमें डालनी ही है तो कितनी डोज इसकी डालनी चाहिए। तो सबसे आसान तरीके मैं आपको बताऊं तो इसका उपयोग आप अपने खेत के अंदर ना करें, क्योंकि किसान भाइयों इससे फायदे भी हो रहे हैं नुकसान भी हो रहे हैं। तो नुकसान इसलिए कुछ ज्यादा ही कर रहा है, तो नुकसान को देखते हुए आप इसका उपयोग अपनी फसल के अंदर ना करें। यदि जो किसान भाई इसका उपयोग करना ही चाहते हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि लगभग 15 से लेकर 16 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी डोज ले सकते हैं, और आपको मार्केट में किसान भाई ये मात्र 5 से लेकर 8 रुपए किलोग्राम के हिसाब से मार्केट में देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से इसके बारे में लगभग मैं पूरी जानकारी आपको दे चुका हूं। यदि उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें।